ठीक है जी ये नोटबुक का पार्ट टू है बेसिकली क्योंकि जो हमने पीछे स्टार्ट uh, किया था बिफोर ब्रेक टाइम उसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं जो गलती हमारे पास आ रही थी दैट वाज समथिंग लाइक दिस अरिमा मॉडल बेसिकली सीज्नैलिटी के बगैर लगता है जब सीजनैलिटी हो तो सरीमा मॉडल लगता है ठीक है आई एम रनिंग दिस हियर इट विल टेक टाइम क्योंकि मैंने सरीमा को uh, सरी मैक्स को बेसिकली सरीमा का मॉडल है लेकिन इसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा इनपुट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं जैसे अरीमैक्स था इसी तरह सरीमैक्स है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली किस तरीके से आपका जो अरीमा मॉडल है उसको हम लगा सकते हैं आपने ये सारी की सारी लाइब्रेरीज जो हैं इन्हें इम्पोर्ट करना फिर आप एक रेंडम सेट ऑफ वेरिएबल्स बनाते हैं जिससे आप एक डेटा जनरेट करते हैं और वो एक सीरीज के अंदर डेटा आ जाता है बेसिकली आपने ये वाला रेंडम डेटा जनरेट किया है विच ड हैव एनी सीजनल इम्पैक्ट ठीक है तो अरिमा मॉडल तब लगता है जब आपके पास सीजनल इम्पैक्ट ना हो यानी कि आपके पास डेटा जो है वो वेरिएशन में ना आ रहा हो सो ऑब्वियसली ये डेटा मैंने नम के थ्रू जनरेट किया है और फिर मैंने इसको प्लॉट किया यहाँ पे तो नम के थ्रू हम डेटा को जनरेट करते हैं यहाँ पे प्लॉट करते हैं एंड देन हमारे पास जो मॉडल है हमने अरिमा लगाना है इस पे टू टू गेट द फोरकास्ट और जाहिर बात है यहाँ पे लीनियर ट्रेंड भी हमारे पास आ रहा है एक सिंपल लीनियर के अंदर सारा कुछ मूव कर रहा है जो हमारी गलती थी हम अजम्पन्स पे पूरा नहीं उतर रहे थे Obviously, जब हमारे पास ट्रेंड लीनियर नहीं आ रहा था तो हम फिर भी उसके ऊपर कौन सा मॉडल लगा रहे थे uh, हम फिर भी उसके ऊपर जो है ये वाले ट्रेंड के बगैर ही हम उसके ऊपर कोशिश कर रहे थे कि अपना अरिमा मॉडल जो हम लगा सकें देट वॉज अ फॉल्टी थिंग मैं कोशिश कर रहा था कि चलो अरिमा और सरीमा दोनों लगा देते बट बर...

ट्रेंड बनता है उसका अपवर्ड ट्रेंड ही है लाइक दिस ठीक है अगर इसको मैं बिल्कुल प्लेन लाइन में, में करूं तो ऐसे हो जाएगा सीजनैलिटी इसमें ज़ीरो है इस वजह से हम अरिमा को यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर यहाँ पे सीजनेलिटी होती जैसे हमारे पुराने डेटा सेट में थी लाइक like दिस तो हम अरिमा को यूज़ ही नहीं कर सकते इस वजह से हमारी प्रोडिक्शन खराब आ रही थी जो हमने स्टार्ट में बोला था ऑब्वियसली प्रोडिक्ट तो करेगा लेकिन वो ख़राब प्रोडिक्ट करेगा और इसने ऐसा ही किया जैसे हमने अरिमा को यूज करके यहाँ पे वैल्यूज ली हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो इनकोरेक्ट आने स्टार्ट हो सो so, हमारे पास प्रडिक्शन एक फ्लैट लाइन में आ रही थी क्योंकि सीजनैलिटी के इम्पैक्ट को हम इग्नोर कर रहे थे यहाँ पे क्योंकि सीजनेलिटी नहीं है देन वी स्टार्टेड प्रडिकटिंग द डेटा बेस्ड ऑन वन वन जीरो की बेस पे पी डी और क्यू जो है 110 की बेस पे किया और एस जो है हमारा बेसिकली नॉन सीजनल डेटा जो मैंने यहाँ पे लगाया मॉडल फिट किया हमने फोरकास्ट किए पांच स्टेप और फिर हमने उसको प्रिंट किया एंड इट विल शो मी समथिंग लाइक दिस ये अब आपको पांच स्टेप इस तरीके से फोरकास्ट करके दिखा रहा है कि पिछली के बाद पांच स्टेप आ गया आपने इसको प्रोडिक्ट करना है अगर मैं फर्दर इसको दस स्टेप प्रोडिक्ट करना चाहूँ सो इट विल शो मी अ ट्रेंड लाइक दिस ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म के लिए तो बेहतर परफॉर्म करेगा स्टिल इट विल नॉट गिव मी नाइस रिजल्ट लेकिन अगर यहाँ पे पी डी और क्यू की वैल्यू मैं चेंज करूँ टू यहाँ पे रख दू और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल टू कर वी विल सी ये चेक करें हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे इसकी जो प्रोडिक्शन है इसकी ट्रेंड चेंज होता रहेगा अगर इसको मैं ज़ीरो करता हूँ यहाँ पे थ्री कर देता हूँ तो ऑब्वियसली हमारे पास ये बिल्कुल ही फ्लैट या डिफरेंट किस्म की वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी सो वी नीड टू डिफाइन दिस वैल्यू इन अ नाइस वे पार्शियल कोरिलेशन या हमारे पास जो ऑटो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन या कंप्लीट ऑटो कोरिलेशन जो है उसकी बेस पे हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली तो ये मेरे साथ भी होता है यहाँ पे नोटबुक रेंडर का मसला है

पीरियड की बेस पे इसको रन किया हुआ है सीजनल ऑर्डर पे मेरे पास पीडीक्यू की बेस पे चल रहा है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि पीडीक्यू मेरे पास 5 एक और दो है सो इट्स स्टिल रीडिंग फ्रॉम लास्ट सेवन मिनट्स जैसे ये मेरे पास पूरा होता है देन वी विल सी कि हमारे पास रीमैक्स जो है सरीमा मॉडल जो है वो रन कर जाएगा एंड देन द प्रेडिक्शन विल बी नाइस वंस मैं इसको स्टॉप इस वजह से नहीं करना चाहता ज आई वॉन्ट टू टेक सम प्रडिक्शन आउट ऑफ इट्वियसली अगर मैं इसकी वैल्यू बिल्कुल कम कर देता हूँ पीडी क्यू की पाँच और ये जो मैंने ऊपर लगाई है पाँच एक दो की बजाय यहाँ पे एक कर देता हूँ यहाँ पे जीरो कर देता हूँ और यहाँ पे एक कर देता हूँ सो इट विल बी मच फास्टर बल्कि मैं इसे स्टॉप ही करता हूँ क्योंकि अदरवाइज़ हमारी क्लास का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा मैं ऊपर वाली सारी चीज़ें रन करता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं वन कर देता हूँ यहाँ पे भी मैं वन कर देता हूँ यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ जस्ट टू बी फैस्टर होपफुली यहाँ पर अभी ये जल्दी काम करेगा ओबियसली ये जल्दी काम करके अब हम क्या कर सकते हैं इसको प्रडिक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं जी प्रडिक्ट इसके अंदर लेंथ रख लेते हैं डी एफ क्लोज की प्रोडिक्शंस को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रडिक्शन आएंगी सो इट इज शोइंग और जो ऊपर वाला मॉडल है उसके अंदर 124, 123, 125 से रिलेटेड कुछ था एंड देन वी कैन प्लॉट दिस थिंग एज वेल ये जो प्रोडिक्शन आई हाँ है इनको प्लॉट करते हैं सो so, अगर हम डेटा डी एफ के अंदर क्लोज को तो ये हमारे पास इस तरीके से प्रडिक्शन हो रही है ठीक है नाउ यू कैन सी कि जो अरिमा के अंदर हमारे पास बिल्कुल फ्लैट लाइंस आ रही थी दिस आर नॉट फ्लैट ओबियसली जब आप यहाँ पे पी डी क्यू की वैल्यू को इनहांस करेंगे तो ये वैल्यूज़ और भी अच्छी हो जाएंगी और आपकी प्रडिक्शन जो है ये बेहतरीन तरीके से पूरे वो ट्रेंड को फॉलो करेगी ये पीछे कर रहा है ठीक है सो समाइम्स यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट पी डी क्यू वैल्यूज़ और मैं कोशिश करूंगा कि कल के लेक्चर में बेसिकली हम इस पर बात भी करेंगे कि पी डी क्यू की रेंज कैसे डिफाइन की जाती है ताकि हमारे पास फाइनल मॉडल जो है वो ट्रेन आए एंड आई विल बी वर्किंग ऑन दिस नोटबुक और इसको मैं और भी रिफाइन करके फिर मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपको मैं दे दूंगा ताकि आपको ये एक सैम्पल नोटबुक मिल जाए कि किस तरीके से हरीमा और सरीमा के ऊपर पूरी की पूरी एक नोटबुक तैयार करके आप अपलोड कर सकते हैं आई नो जो हमने काम स्टार्ट किया था आज उस पर कंप्लीट नोटबुक तो नहीं मैं तैयार कर सका बिकॉज ऑफ़ द एरर्स जो ऑब्वियसली आती हैं और हमारे पास जो लास्ट पे सरीमा मॉडल समरी और की पॉइंट्स पहुंचे थे हम उसको नहीं कर पाए बिकॉज आई नीड टू रन दिस मॉडल जहाँ पे पाँच तीन और दो वैल्यू में ऐड करके इसको रन करूँ ताकि हमारे पास जो रिज़ल्ट हैं इसकी प्रोडिक्शन जो है वो अच्छे तरीके से आ सके सो वी नीड टू वेट एंडिल टमारो फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल वी वर्किंग ऑन द सेम थिंग अगैन क्योंकि इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता ऐसे और इन इस पर अच्छे तरीके से पूरी की पूरी एक नोटबुक तैयार ज़रूर करेंगे मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ